स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। कम से कम एक ऐसा दिन तो हुआ ना जहां पर थोड़ा सा रोमांच आया इस सीरीज में। मतलब एक तरफ एक बॉक्सर था जो सिर्फ मुक्के मार रहा था, दूसरा बॉक्सर सिर्फ खा रहा था। आज कम से कम वेस्टइंडीज ने मुकाबला किया, हालांकि एक वक्त तो कहानी वही थी, 182 पर ही 6 विकेटें गिर गई थी टी से पहले, तो मतलब था कि चलिए आए टी के बाद वेस्टइंडीज ऑल आउट हो जाएगा। लेकिन कप्तान होल्डर और चेज के बीच 104 रन की साझेदारी, खत्म होते होते कप्तान होल्डर आउट हो गए, लेकिन चेज अभी भी 98 रन बनाकर खेल रहे हैं और वेस्ट इंडीज ने तकरीबन 300 रन एक दिन में बना दिए, 295 सात विकेटें गिरी हैं। तो इस लिहाज से यह कहना गलत नहीं होगा कि कम से कम वेस्ट इंडीज ने आज थोड़ी सी आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट इस टेस्ट मैच में झोंक दी है। यह है आज क्या क्या हुआ आपकी स्क्रीन पर। रॉसन चेज 98 रन बनाकर खेल रहे हैं, उमेश को 3 विकेट मिले हैं, कुलदीप यादव को 3 विकेट मिले हैं, अश्विन को 1 विकेट मिला, लेकिन आज शार्दुल ठाकुर का टेस्ट डेब्यू फीका हो गया, 10 गेंदे फेंकी और उसके बाद वही ग्रोइन इंजरी पकड़कर वो बाहर चले गए। पता नहीं इस टेस्ट मैच में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मदन जी है मेरे साथ। मजा आया वेस्ट इंडीज ने आज मुकाबला तो किया, कम से कम ये दिखाया कि मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि लास्ट मैच से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है और उन्होंने बैटिंग काफ़ी अच्छी की है, पर फिर भी मैं ये देख रहा था कि स्कोर ज़्यादा बन सकता था, क्योंकि जो मेरे को अभी भी लग रहा है कि कुलदीप यादव को अभी भी वो रीड नहीं कर पा रहे और उसके और बहुत ज़्यादा शॉट्स खेलने की कोशिश करते हैं। हमें सब मालूम है कि अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, पर कहीं ना कहीं जाके आपको अपनी जो बैटिंग है मैनेज करनी पड़ जाए। पॉवल बहुत अच्छा खेल रहे थे, बस एम्बरिस अच्छा खेल, ड्रिक क्या नाम उनका विकेट कीपर जो ड्रिक है वो काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। तो ये थोड़ा सा अगर थोड़ा सा संयम रखते, थोड़ा सा गेम को आगे लेके चलते तो शायद ये संयम रखा, मतलब होल्डर और चेज़ होल्डर ने तो बहुत अच्छी बैटिंग की, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में भी यही था, शॉटे तो उन्होंने तब भी खेली, शॉटे उन्होंने आज भी खेली, लेकिन कम से कम इस साझेदारी ने आकर अपने डिफेंस पर भी जोर डाला। हुआ ये है कि शायद वेस्ट इंडीज की आज की बल्लेबाजी को देखकर अब भारत भी कहेगा कि चलो यार इस टेस्ट मैच को खेलने का मजा तो आएगा। देखिए ये तो है कि क्रिकेट के लिहाज से पहले टेस्ट मैच में मजा नहीं आया था, और पहले टेस्ट मैच की बिना पर यह भी था कि दूसरे में भी मजा नहीं आएगा, हो सकता है एकदम कल पूरी की पूरी जो तस्वीर है वो भी बदल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वेस्ट इंडीज की रेजिस्टेंस जो है वो दम टूटेगा। विकेट लेकिन अच्छा है बैटिंग करने के लिए, विकेट अच्छा है बैटिंग करने के लिए, विकेट बहुत अच्छा। वही मैं कहने वाला था कि देखिए अगर आपने टॉस जीता है तो थोड़े से रन और ज्यादा बनने चाहिए थे, और आपके विकेट बट एक दिन में 300 रन है उनके पास, 300 रन तो है पर विकेट नहीं गिरने चाहिए थे, अगर 4 या 5 विकेट गिरे होते तो फिर अलग बात होती, क्योंकि जब आपको विकेट गिरते चले गए 296 स्कोर इतना ज्यादा अच्छा नहीं है इस विकेट के ऊपर, क्योंकि अगर आप चौथी इनिंग देखें तो विकेट बहुत ज्यादा टर्न करेगा बिल्कुल, और फिर वेस्ट इंडीज अगर हमने ज्यादा 200 रन की भी लीड ले रही है तो मेरे को लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा, 200 में तो दूसरी तरह का खेल हो जाएगा ना, दूसरी तरह कि आपकी दूसरी बैटिंग की शायद ना आए आपको हमें लगता तो है ना कि इंडिया लीड ले जाएगी, क्योंकि जैसे उनका बॉलिंग अटैक भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, एक बॉलर को छोड़ दिया, गैब्रियल को छोड़ दिया, स्पिनर ज्यादा इतना पेनिट्रेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो लाइन और लेंथ है इतनी ज्यादा, लास्ट टेस्ट मैच में तो उन्होंने इतना अच्छा नहीं किया, कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है वो देखने वाली बात है इनके स्पिनर ट्रैक में, बाकी विकेट तो फैंटास्टिक। आपने कुलदीप की बात की, कुलदीप लॉर्ड्स टेस्ट मैच के बाद सवाल उठने शुरू हो गए थे कि पता नहीं यार कुलदीप टेस्ट क्रिकेट में अच्छी टीम, ऑब्वियसली अब वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज तो पढ़ ही नहीं पा रहा है, लेकिन कुलदीप ने अपना क्लेम रखा है, कुलदीप ने यह कहा है कि मैंने लाल बॉल से आकर मेहनत की है, मैंने थोड़ा सा तेज बॉल डालूंगा, इन दी एयर तेज जाएगा, ऑफ द विकेट तेज जाएगा, और वेरिएशन तो मेरे पास है। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए पूरे प्रबल दावेदार हैं ये टेस्ट मैच के लिए। नहीं देखें दावेदार तो हैं, क्योंकि एक तो अगर आप अपनी बॉलिंग पे वर्क करते हैं, क्योंकि आपको करना पड़ता है, क्योंकि आप जब टेस्ट मैच से वापस आते हैं उसे आपको कोई ऐसी डेवलपमेंट करनी पड़ती है जिससे कि आपको हाँ ये जो मेरा बॉल है वो विकेट टेकिंग हो सकता है। पर दूसरी एक और बात है कि एक और आपने देखा नोटिस किया हुआ कुलदीप, जितने बैट्समैन आगे खेले हैं उनको तो बड़े कंफर्टेबल खेले हैं,
अगर आपने आगे जाकर खेला, आगे अपना पैर डाला और खेले हैं, आगे मतलब पैर भी तो लंबा फेंकना है। हाँ, पैर भी तो लंबा, थोड़ा पैर में तो फंस जाते हैं ये लोग, वो तो फिर फंस जाता, फिर तो आप रीड नहीं कर पा रहे, फिर आपको पता नहीं बॉल इधर जाएगा या इधर जाएगा, वो बड़ा जरूरी है आपको रीड करना। वो चेज और होल्डर लंबे भी है, इससे भी फर्क पड़ता है। ये जरूर है कि उनकी हर जैसे जैसे वो टेस्ट मैच खेलते चले जा रहे हैं उनकी बॉलिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ रही है, क्योंकि डिपेंड, ये तो इंडियन विकेट्स है, अब ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट रहेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा, लेकिन रिस स्पिनर्स को वहां पर मदद मिलती है, रिस स्पिनर्स को मदद मिलती है। खैर, आज एक ऐसा वाकया हुआ जो पता नहीं, मतलब मुझे तो याद नहीं पड़ता कि इस तरह के वाकया भी होते हैं। अब शार्दुल ठाकुर का टेस्ट डेब्यू हुआ, लेकिन आज उनका पहला दिन, कहते हैं ना कि मतलब जहां पर आपकी खुशी इतनी ज्यादा थी, मिनटों में देखते देखते वो खुशी जो है वो ट्रेजेडी में बदल गई। ये देखिए, 10 गेंदें फेंकी थी शार्दुल ठाकुर ने अपने टेस्ट क्रिकेट के डेब्यू मैच में, दूसरे ओवर में थे। अब ये पैर उनका लैंड हुआ, एंकल नहीं ट्विस्ट हुआ, उनका ग्रोइन खींचा है। अब सवाल ये है कि इनको एशिया कप में ग्रोइन इंजरी हुई थी, वापस भेजा गया था आज से तकरीबन 20 दिन पहले। वो कहते हैं 10 दिन के आराम के बाद उन्होंने जाकर 50 ओवर के विजय हजारे मैच खेलने शुरू कर दिए, फिर उसकी बिना पर उनको टेस्ट मैच पहले में चुन लिया गया। अब यहां पर उन्होंने नेट्स में गेंदबाजी भी की है, टेस्ट मैच खेल गए। क्या उनको नहीं पता था कि या तो वो घाव कच्चा था, अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ? मेरे को लगता है कि घाव कच्चा था। अगर आप तो जल्दबाजी किस चीज की, जल्दबाजी इन्होंने, ये खिलाड़ी की भी गलती है, फिटनेस मैनेजमेंट पर भी सवाल है। नहीं, ये ज्यादातर खिलाड़ी की गलती होती है, आपको उसको पता होता है सुबह क्या, यहाँ तो हाइड हाइड कर गया वो, बिल्कुल जो मतलब सच्चाई है इसमें। अब पहले दूसरे ओवर में कैसे अनफिट हो सकते, और आप ऐसा नहीं है कि गिरे हो ऐसा भी नहीं। एक और बात है कि यहाँ तो होता है कि आप बड़े अंडर प्रेशर हो, आपके मसल टाइट हो चुके हैं, इतने टाइट हो गए कि आपने लैंड किया उसमें आपका जो ग्रोइन है खींच गया। पर अगर आप कह रहे हैं कि वहां पे एशिया कप में ग्रोइन ही था, ग्रोइन था, तो फिर 19 तारीख को या 20 तारीख को उनको वापस भेजा गया था, उसके 10 दिन बाद वो 50 ओवर का मैच खेलने चले गए। मुझे लगता है वहां पर भी जल्दबाजी शायद। ये सिनारियो ऐसा है ना, इस वक्त भारतीय क्रिकेट में दो चीजें हर किसी को इनसिक्योर कर सकती हैं, एक मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, दूसरा मुझे वर्ल्ड कप खेलना है। और खिलाड़ी शायद ये यंगस्टर्स को भी ये समझना होगा, और शायद सीनियर खिलाड़ियों को समझाना होगा कि दबाव नहीं है कि भाई मैं दो मैच नहीं खेलूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मैं दौड़ में पीछे रह जाऊंगा। शायद शार्दुल ठाकुर को हम चाहेंगे बेनिफिट ऑफ डाउट देना, लेकिन एक तरफ उनकी रिहैबिलिटेशन पर सवाल है, दूसरी तरफ एक खिलाड़ी से बेहतर आज सुबह कोई नहीं जानता होगा कि मैं 100% फिट हूं या नहीं हूं। खैर, सवाल है आज का 8 बजे एजेंडा का हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाइए। और सवाल यही है कि वेस्ट इंडीज ने जो आज हिम्मत दिखाई है, क्या वो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन या पांचवें दिन तक कायम रह पाएगी, फिर ये अच्छा टेस्ट मैच होगा? ये आपके सवाल भी लिए जाएंगे, मदन जी भी रहेंगे। आपको करना क्या है, YouTube पर जाना है, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की घंटी बजानी है, 8 बजे तक का इंतजार करना है, और यहां पर लौट रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। सवाल यह है कि एक दिन तो ठीक है, लेकिन दम कब तोड़ेंगे? क्या 350, 400 तक पहुंच सकते हैं? नहीं, मुश्किल है बड़ा। मेरे को नहीं लगता कि ये पहुंच पाएंगे। अगर 350 शायद पहुंच सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी तो टेल शुरू हो गया है, और टेल लेकिन आपको परेशान कर रही है, इंग्लैंड में भी कर रही थी, अब वेस्ट इंडीज ने इंडिया में आके परेशान करना शुरू कर दिया। डिफरेंट है थोड़ी सी, मारने वाली है, रोकने वाली नहीं है। और क्योंकि एक तो कुलदीप को रीड नहीं कर पा रहे, वो भी नया गेंद भी है जी, तो उससे मुश्किल आएगी इनके लिए। मेरे को लगता है कि 350 तक आउट हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात तो अच्छी है कि खैर मतलब क्रिकेट से आगे नहीं ज्यादा जाना चाहिए, लेकिन एक बात अच्छी है कि कम से कम वो जो 3.5 दिन वाला टेस्ट मैच था ना, जिसमें हमें भी मजा नहीं आया, ये शायद उस तरह का टेस्ट मैच नहीं है, थोड़ा मजा तो आएगा। सवाल यही है हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर, जो 8 बजे का एजेंडा है, जिसे आप हर रोज देखते हैं, आपके सवाल भी लिए जाते हैं कि वेस्ट इंडीज की आज की हिम्मत कितने दिन चलेगी, ये सांसें कब तक चलेंगी? फटाफट YouTube पर जाएं, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें। आप स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करेंगे, आपके सवाल 8 बजे इस एजेंडा में लिए जाएंगे। फिलहाल मुझे और मदन जी को इजाजत दीजिए, आपको मिलेंगे स्पोर्ट्स तक पर 8 बजे।